नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोएब खान और आज चैनल 9 न्यूज आपके लिए लेके आया है एक दुख भरी खबर। मैं बात कर रहा हूं इरफान खान की। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक अपना झंडा गाड़ने वाले, बेहतरीन एक्टिंग के जरिए हर दिल में उतर जाने वाले इरफान खान आजकल एक बहुत ही गंभीर और भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। इरफान खान लंदन के एक अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, मैं खुद और चैनल 9 की तरफ से दुआ करता हूं कि खुदा उन्हें जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाए, आमीन। इरफान खान ने हॉस्पिटल से एक लेटर लिखा अपने दोस्त अजय को। उस लेटर में क्या लिखा उन्होंने, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरो एंड्रोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। यह शब्द मैंने पहली बार सुना था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पाया कि इस पर ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक मैं तेज रफ्तार वाली एक ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, कोई लक्ष्य था। फिर किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टीसी था। उसने कहा, आपका स्टेशन आ गया है, कृपया नीचे उतर जाइए। मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा, नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया है। उसने कहा, नहीं, आपको अगले किसी भी स्टॉप पे उतरना होगा। इस डर और दर्द के बीच मैं अपने बेटे से कहता हूँ, मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ, मुझे अपने पैरों पे वापस खड़े होना है, मुझे डर और दर्द नहीं चाहिए। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा था। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ उसमें बालकनी भी है, बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क के एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लार्ज स्टेडियम। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता हूँ, वे सभी लोग अलग अलग जगहों पर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब दुआएं मिलकर एक हो गई हैं और असर दिखना शुरू हो गया है। एक बड़े से फोर्स की तरह जो मुझमें मेरे स्पाइन से लेकर मेरे सर तक दाखिल हो गई है, ये बड़ा हो रहा है एक पत्ते और कली की तरह। मैं इसे अपने पास रखता हूँ और इसे देखता हूँ। वो हर एक दुआ जो मेरे सामने पत्ते और कली के रूप में आई है, वो मुझे आश्चर्य से भर देती है और मुझे अनुभूति कराती है कि कर्क को कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुदरत के झूले में आराम से झुलाया जा रहा है। आज पूरा बॉलीवुड उनके अच्छे होने के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि संकट के इस समय में किंग खान सबसे पहले सामने आए। किंग खान ने इरफान खान की मदद के लिए परिवारजनों से मुलाकात की, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनको अपने लंदन के बंगले की चाबी भी दी ताकि इरफान के परिवार को लंदन में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उनको अपने घर के जैसा ही महसूस हो जैसा वो हिंदुस्तान में महसूस करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़।